हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, आज के इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा, अगर आप IRCTC पे अकाउंट बना रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो इसका मतलब मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, आपने जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया है इस नंबर से जो है पहले से ही IRCTC का अकाउंट बना हुआ है तो आप इस नंबर से नहीं बना सकते। तो गाइस, आपको इस अकाउंट को जो है एक्टिवेट करना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक चले आना है, और बैक आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो फॉरगेट अकाउंट डिटेल्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और इस कैप्चर को डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चर डाल देना है। कैप्चर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक जो है यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र नेम आ जाएगा, और आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम और OTP डाल देना है, और आपको यहाँ पे नया पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड कर देना है। तो यहाँ पे ना मैं अपना OTP देख लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे ना आपको ये सब डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र नेम डाल दिया, OTP डाल दिया, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है और कन्फर्म पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको कैप्चर डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ये कर देते हैं तो आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएगा, पासवर्ड वाज चेंज सक्सेसफुली, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आप क्या, तो गाइस आपको पासवर्ड रीसेट करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपनी ID को लॉगिन कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ना इस कैप्चर को डाल देना है, उसके बाद @ कैप्चर डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ID है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगी। तो गाइस, कुछ इस तरह से जो है आप उस प्रॉब्लम को जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना आपको क्या करना है, पिन डाल देना है। तो जो भी आप पिन डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो आपको यहाँ पे सेट करना होगा। और इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ओके ओके करने के बाद आप जो है IRCTC ऐप के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। तो गाइस, कुछ इस तरह से जो है आप इस प्रॉब्लम को जो है ठीक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।